हाय, वेलकम टू सी यू आई टी बुक्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका नंबर व्हाट्सएप पे अनबैन हुआ है उसको अनबैन किस तरीके से करना है। सो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। सो जो आप नंबर डाल रहे होंगे अपने वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा होगा कि आपका फ़ोन नंबर इज़ बैन फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। सो अगर आपके पास ऐसा स्टेटस आ रहा है तो आप क्या करेंगे इसे अनबैन करवाने के लिए? सबसे फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे से पूछा कि डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है, तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। डियर व्हाट्सएप, माई नंबर इज बैंक, प्लीज रिव्यू एंड अनबैन माई नंबर। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उसको लास्ट में पेस्ट कर देंगे, माई व्हाट्सएप नंबर एंड देन आपका व्हाट्सएप नंबर 9। इसके बाद आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था कि व्हाट्सएप बैन हो गया, मैंने ऑलरेडी ले रखा है। देन नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको लास्ट में एक ये आपको स्टेटस आ रहा होगा नीचे, लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा होगा, दिस डज नॉट आंसर माय क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे यह करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका मेल ओपन हो जाएगा। अभी मेरा जो मेल कॉन्फ़िगर्ड है वो जीमेल में है, तो मैं यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो नाउ मेरा पूरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन का आईपी वगैरह, मॉडल नंबर एंड कनेक्शन, सारा चीज़ यहाँ पर आ गया। कंटेंट ब्लॉक नंबर आप देखिए, यहाँ पे जो नंबर ब्लॉक है वो भी आ गया। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी सारा मेरा ईमेल एड्रेस खुला है, जिस नंबर से मेरा जिस ईमेल आईडी पर मेरा व्हाट्सएप चलता था, जहाँ पर बैकअप होता था, उसी आईडी को सिलेक्ट करूँगा। नाउ मैं व्हाट्सएप को सेंड कर दूँगा। ओके, व्हाट्सएप देखेंगे कि ये व्हाट्सएप को मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ एंड अपना वही वाला ईमेल एड्रेस, तो व्हाट्सएप को यहाँ से मेल चलेगा एक क्वेश्चन अबाउट व्हाट्सएप फॉर एंड्रॉयड। ये फिर इसी पर ही थोड़े टाइम बाद व्हाट्सएप का रिप्लाई आ जाएगा। जब आपका नंबर वो अनबैन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई आ जाएगा।